19 अगस्त 2018 को सभी अधिवक्ताओं ने सीओ चकबंदी के कोर्ट का बहिष्कार किया। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके नाजायज तरीके से सरकारी जमीन लोगों से भूमाफियों से मिल करके और सरकारी जमीन को संक्रमणीय भूमधर में दर्ज करते हुए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। ये मामला प्रकाश में आया। सभी अधिवक्ता जब हड़ताल पर गए तो उसमें कुछ दिन के बाद हड़ताल उनकी जारी रही। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने तहसील इकोना के सभी न्यायालयों का बहिष्कार किया। इस परिप्रेक्ष्य में एक महीना पहले हम प्रमुख सचिव एसपी गोयल से मिले थे और उन्होंने उस पर कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया। जब कुछ नहीं हुआ, मामला लंबा खींचता गया तो 29 तारीख को मैं खुद जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिवक्ताओं का ज्ञापन और डीएम ने जो जांच कराई थी अपर जिलाधिकारी योगानंद पांडे से उसकी रिपोर्ट और डीएम ने जो शासन को रिपोर्ट भेजी थी उसकी कॉपी ले जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़े गंभीर रूप में हमने बात की। उन्होंने बड़ी गंभीरता से उस मामले को लिया और हमने कहा कि माननीय जी इसमें किसी जाँच की आवश्यकता नहीं, सारी जाँच रिपोर्ट सम्मिलित है, वो दोषी पाए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने कड़े तेवर दिखाते हुए प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से ऐसे चकबंदी अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, जिसका नतीजा देखने को मिला कि 24 घंटे में सीओ चकबंदी श्री संतोष कुमार पटेल का निलंबन हुआ, वो सस्पेंड हुए और जांच जारी कर दिया। और जाकर के मैंने कल सभी अधिवक्ताओं और एसडीएम के बीच में बैठ करके और सभी की हड़ताल वापस कराई और जिससे हमारे क्षेत्र की जनता जो न्याय से विरक्त हो रही थी, दर दर भटक रही थी, उनसे निजात दिलाने का काम हमारी योगी सरकार ने किया है।